तेरा बाप आया। तेरे पापों का हिसाब आया। इधर उधर की बातें के बिना सीधे पॉइंट पे आऊंगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा सिटी 2020 के बारे में, जो कि फिफ्थ जनरेशन लॉन्च हो चुकी है फाइनली इंडिया में। जी हाँ, बहुत बेसब्री से लोगों का इस गाड़ी का इंतजार था और फाइनली होंडा ने इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के अंदर। अभी तक आप जो गाड़ी देख रहे थे वो फोर्थ जनरेशन होंडा सिटी थी, फाइनली फिफ्थ जनरेशन आ गई है। 22 साल से होंडा सिटी हमारे इंडिया में है और हर जनरेशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया भी है। वैसे ही इस जनरेशन की गाड़ी में भी बहुत कुछ खूबियां हैं, बहुत कुछ बुराइयां भी हैं। बुराइयां की बात बाद में कर लेंगे, पहले खूबियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। तो फ्रंट लुक से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, बहुत ज़्यादा बोल्ड लगती है, स्पोर्टी फील देती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जी हाँ, इसका अगर आप ग्रिल देखेंगे तो ये थोड़ी बहुत आपको सिविक की याद ज़रूर दिलाएगा। और वहीं अगर आप इसके हेडलाइट्स देख लेंगे तो हेडलाइट्स आपको फुल LED मिल जाएंगे। जी हाँ, इसकी टर्न इंडिकेटर्स भी LED हैं और इसके अंदर आपको 9 बल्ब्स मिल जाएंगे, जो कि 6 बल्ब्स आपको लो बीम के लिए हैं और 3 बल्ब्स आपके हाई बीम के लिए हैं। इसी के ऊपर आपको DRL मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं। हेडलाइट्स बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है होंडा ने। बम्पर की तरफ आएंगे तो बम्पर की तरफ आपको बम्पर बहुत अच्छा प्लेस किया गया है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है बम्पर की। उसी में आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, रात के टाइम और फॉगी सीजन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बैक प्रोफाइल की बात कर ले तो बैक लुक से भी ये बहुत ही अच्छी दिखती है गाड़ी। जी हाँ, बहुत ही अपीलिंग दिखती है। होंडा ने पूरी चेंज करी है होंडा सिटी को। पीछे से अगर इसकी टेल लाइट्स की बात करेंगे तो इसकी टेल लाइट्स आपको जेड शेप में जलती हुई नज़र आएगी रात के टाइम पे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी दिखती है रात के टाइम पे ये गाड़ी की टेल लाइट्स। अगर बैक लाइट्स की इसके क्रोम की बात कर ले तो इतना ज़्यादा क्रोम का वर्क नहीं किया गया है, इसलिए ये गाड़ी थोड़ी अपीलिंग लगती है, अच्छी लगती है। आपको थोड़ी बहुत ये नीचे बम्पर ज़रूर लिखा आएगा इसका, जो कि काफ़ी अच्छे शेप में दिया गया है। अगर इसके बूट की बात कर ले तो बूट का शेप भी थोड़ा आपको नीचे मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा लगता भी है। साइड प्रोफाइल से बात कर ले तो साइड प्रोफाइल से ये पुरानी फोर्थ जनरेशन की होंडा सिटी जैसी ही दिखेगी, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं गए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी दिखती है ये गाड़ी। जी हाँ, अगर इसके व्हील्स की बात कर लें तो व्हील्स इसके आपको 16-inch अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अगर अब इसके इंटीरियर की बात कर लें तो इंटीरियर होंडा की जैसी हर गाड़ी में अच्छा आता है, वैसे इस गाड़ी में भी काफ़ी सुंदर इंटीरियर दिया गया है। बेज कलर में आपको इंटीरियर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी लग्जेरियस मिलेगा, एरीनेस फील करेगा, विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होंडा के अंदर मिल जाएगी। जी हाँ, आप जो साइड मिरर देख रहे हैं, साइड मिरर इसके ए पिलर पे नहीं बल्कि डोर पे दिए गए हैं, जिससे आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और काफ़ी अच्छा दिखता भी है ये। अगर इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड का मटेरियल काफ़ी अच्छा है होंडा का, और होंडा सिटी में हर बार की तरह मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। इस बार इसके अंदर थोड़े बहुत आपको स्विचेस मिल जाएंगे। टच स्क्रीन वाला आपको डिस्प्ले जो दिख रहा है वो 8-inch का है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी यूनिक लगता है और अच्छा भी, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फंक्शंस मिल जाएंगे। रिवर्स कैमरा और पार्किंग असिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता भी है। इसका डिस्प्ले इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है, बैक कैमरा भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना पुराना गाड़ी में था होंडा सिटी की फोर्थ जनरेशन में, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा है थोड़ा बहुत है। जी हाँ, अगर स्टीयरिंग की बात कर ले तो स्टीयरिंग के अंदर भी कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन का कंट्रोल मिल जाएगा, फ़ोन का कंट्रोल मिल जाएगा। जी हाँ, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो इसमें पैडल शिफ्टर भी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जी हाँ, ये डैशबोर्ड भी काफ़ी यूनिक अच्छा डिज़ाइन किया है। डिस्प्ले आपको थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, जहां आपको पहले आपको थोड़ा तिरछा मिला करता था, वहीं पे आपको थोड़ा अब सही पोजीशन में मिला हुआ मिल जाएगा। सीट की बात कर ले तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल से यूनिक है, अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुशनिंग बहुत अच्छी होती है होंडा सिटी की गाड़ी की, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत ही कम्फर्ट सीट्स होती हैं और इसमें भी कम्फर्ट दी गई है। सीट के मामले में कोई भी शिकायत नहीं आएगी आपको, अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए लेके जाते हैं या सिटी में ड्राइव करते हैं, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट है और अच्छी लगती है ये सीट। जी हाँ, अगर बैक सीट की बात कर ले तो बैक सीट
भी बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल है, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम की कोई कमी नहीं होगी, लेग रूम की कोई कमी नहीं होगी, शोल्डर रूम की कोई कमी नहीं होगी। जी हाँ, ये गाड़ी में अच्छे से डिज़ाइन की है, सीट की आर्मरेस्ट आपको आराम से मिल जाता है जिस पर आप अपना हाथ रख के आराम से जर्नी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेडरेस्ट की बात कर ले पीछे वाली सीट की, तो वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, जो कि अच्छा तो नहीं लगता इस गाड़ी में, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, होंडा की गाड़ी क्या करें। जी हाँ, अगर हम पीछे एयरवेंट की बात करें तो आपको एसी के एयरवेंट्स मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, रीडिंग लाइट्स भी अच्छी खासी मिल जाएगी जिसमें आपको एलईडी मिलेगी, ना कि एलोजन मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी दिखती है। बहुत ही शानदार है इंटीरियर, मुझे पर्सनली कहो तो बहुत पसंद आया। जी हाँ, इंटीरियर के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है, आपको बैक जो ग्लास है उसके अंदर भी आपको आराम से कर्टन मिल जाएगा जिससे आप धूप की वजह से बच सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर के मामले में बस इतना ही था, बात कर लेते हैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की। जहाँ न्यू होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा। जी हाँ, दोनों इंजन में अवेलेबल मिलेगी ये गाड़ी आपको। पहले बात कर लेते हैं हम पेट्रोल इंजन की, तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 119 BHP की पावर, 145 Nm का टॉर्क, जिससे आपको 18 का माइलेज मिलेगा। जी हाँ, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ये 7 स्पीड CVT के साथ भी अवेलेबल है जो कि BS6 इंजन है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन भी 1.5 लीटर का है जिसमें आपको 25 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। जी हाँ, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये लेंथ में 4549, विड्थ में 1748, हाइट में 1475, व्हील बेस में 2600 और ग्राउंड क्लियरेंस में 165 है। जी हाँ, अगर लेंथ और विड्थ की बात करें तो ये पुरानी होंडा सिटी से थोड़ा बढ़ाया गया है, वहीं हाइट की बात करें तो हाइट में इसको थोड़ा घटाया गया है जिससे ये सिविक जैसा लुक देता भी है। अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस भी पहले जैसा ही है, यानी तो आपको लेग रूम में कोई कमी नहीं होगी जो कि पुरानी गाड़ी में थी आपको। अगर वहीं हम इसके बूट स्पेस की बात कर ले तो 506 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा जो कि पहले से बढ़ाया गया है, बहुत ही शानदार बूट स्पेस भी है। अगर फ्यूल टैंक की बात कर लें तो फ्यूल टैंक भी आपको 40 लीटर के आसपास का मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा लगता भी है। जी हाँ, ये तो कुछ इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात होगी। अगर इंजन के मामले में बात करें तो आप जानते ही हैं कि होंडा की गाड़ी इंजन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। अब इसके बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, तो पहला फीचर्स बात कर लेते हैं, 6 एयरबैग मिल जाएंगे, ABS, EBD मिल जाएगा, VSA मिल जाएगा यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटर भी सिस्टम मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको लेन वॉच कैमरा भी मिल जाएगा जो कि फर्स्ट सेगमेंट है इस गाड़ी के अंदर। जी हाँ, ये आपको होंडा वरना में या फिर मारुति सियाज में नहीं मिलेगा जो कि इस गाड़ी में मिल जाता है। दूसरी चीज़ बात कर ले तो सनरूफ मिल जाएगा जो कि पहले भी मिलता था। अगर हम पेट्रोल की बात कर ले तो पेट्रोल का आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको होंडा वरना में भी मिलता है और सियाज में भी मिलता है। और तीसरी चीज़ अगर हम इसकी अच्छी सी बात कर लें तो वो इसका एलेक्सा रिमोट कंट्रोल का है जो कि आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी कार की, जिससे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हेडलाइट्स ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बात कर लें हम इसकी, तो ये आपको LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी इसके अंदर जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो वो भी आपको जेड शेप में मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छी है। लेदर सीट्स आपको आराम से मिल जाएगा, 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। जो अलॉय व्हील्स की मैंने बात करी 16 इंच की, वो भी अच्छी दिखती है। क्रूज कंट्रोल जैसा फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। ये कुछ फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाएंगे जो कि काफ़ी शानदार है। अगर हम इसकी बात कर लें नेगेटिव चीज़ की कि क्या गाड़ी में अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलॉय व्हील्स जो है वो 16 इंच के हैं। वैसे तो ये अलॉय व्हील्स इसके ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर अगर ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखते तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता। दूसरी बात कर लेते हैं इसकी बुराई की, तो इसके अंदर जो पीछे की सीट पे हेडरेस्ट है वो इसके एडजस्टेबल नहीं है जो कि इसका एक माइनस पॉइंट है। इतना अगर खर्चा किया है तो थोड़ा बहुत हेडरेस्ट भी इनको एडजस्टेबल देना चाहिए था, जो काफ़ी अच्छा लगता भी। तीसरी नेगेटिव की चीज़ की बात कर लें तो इसके अंदर होंडाई वरना के जैसे वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है जो कि एक माइनस पॉइंट भी आ जाता है। अगर वो भी इसमें अवेलेबल होता तो शायद अच्छा फंक्शन मिल जाता, ना ही इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है जो कि होंडाई वरना के अंदर आपको मिल जाता है।
ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा नीड्स भी नहीं होती हैं, पर वेंटिलेटेड सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी के टाइम पर। ऑल ओवर देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी शानदार है, यूनिक है, बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, फीचर्स भी आपको नॉर्मली डेली यूज़ वाले फंक्शंस मिल जाते हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं इसके एक मेन पॉइंट पर कि ये आपको कितनी कीमत में मिलेगी। तो कीमत अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन लगभग ये पेट्रोल में 10 लाख से लेकर 13 लाख 10 हज़ार तक जा सकती है, वहीं ये डीजल में 10 लाख 30 हज़ार से लेकर 14 लाख 50 हज़ार तक जा सकती है। ये शायद तक जुलाई 15 या 16 को लॉन्च होने वाली है, तब इसकी प्राइस भी शायद लॉन्च हो जाएगी, तो शायद आपको पता चल जाएगा। मॉडल्स की अगर बात करें तो ये लगभग इंडिया में वी एस और एस वी मॉडल्स में अवेलेबल्स होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, कोई टेंशन नहीं है। लेने से पहले एक बार ज़रूर इस गाड़ी को शोरूम में जाके विजिट करके देख लीजिएगा गाड़ी कैसी है। पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद, जय हिंद।